हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड कैसे तोड़ा जाता है और आपका डेटा भी सेव रहेगा। दिखाए गए इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद स्क्रॉल करके सेटिंग पर क्लिक करोगे, आपका नॉर्मल लॉक है तो खुल जाएगा, नहीं तो आपको FRP कोड लगा के आपका फ़ोन को अनलॉक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले दोबारा आपको इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐसा कीपैड दिखाई देगा, आपको *#899 पासवर्ड आप डालोगे, तब ये इंजीनियरिंग मोड खुलेगा। जो इंजीनियरिंग मोड को आपका खुलता है तो आप अच्छा है, क्योंकि आपका अनलॉक आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से इमरजेंसी कॉल पर जाना है और उसके बाद आपको उसका FRP जो कोड है वो एक महीने के लिए ही वो एक्टिव रहता है। वो कोड डालने पर आपका डेवलपर ऑप्शन ही वो एक्टिव हो जाता है और एक महीने के लिए ये एक्टिव है। तो उसके लिए हर महीने आपको कोड ऑनलाइन आपको लेना पड़ेगा। इस कोड को डालने के बाद आपको 10 बार एक कोड को डायल करना है और ओके ऑप्शन को 10 बार आपको ओके करना है। तो ऐसा करने पर आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद ये 10 बार हो जाए, उसके बाद आपको सब करने पर आपको चेक करना है कि आपका फ़ोन अनलॉक हुआ है कि नहीं, इसलिए *#813 और उसके बाद आपको हैज टाइप करोगे तो आपका जो इमरजेंसी पासवर्ड वाला जो स्क्रीन है वो आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन जो अनलॉक नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको फिर से जो पहले डायल किया था जो इंजीनियरिंग मोड वाला वो कोड आपको फिर से डायल करके आपको *#899 और उसके बाद क्लिक करोगे तो इंजीनियरिंग मोड आपको मैनुअल टेस्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको स्क्रॉल करते ही रहना है, उसके बाद लास्ट में चला जाना है। लास्ट में चला जाने के बाद आपको माय स्टेटस वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। सभी में पास लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको रिटर्न जाना है, फिर से मैनुअल टेस्ट पर आ जाना है और उसके बाद सेकंड वाली स्क्रीन पर दिखाए गए सेंसर के ऑप्शन पर क्लिक करें, सभी को एक्टिव कर लेना है। और उसके बाद एक्टिव करने के बाद आपको बीच वाली जो मोबाइल की जो स्क्रीन की बीच वाली जो की आती है तो उस पर क्लिक करें। वो करने पर आपको इमरजेंसी कॉल का जो कीपैड वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो आपको फिर से क्या करना है, आपको इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप क्लिक करने पर वो वाइट वाला कीपैड ओपन हो जाएगा और आपको जो *#813 वाला कोड है वो डायल करना है। तो *#813 का फोन का पासवर्ड ऐसे टूट जाता है।